वक्फ विधेयक 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध जता चुके हैं। इस बीच AIM और IIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो कानून PM मोदी लेकर आए हैं, इससे वह हमारी वक्फ की संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। BJP पर निशाना साधते हुए AISM और ISM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, RSS और BJP देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वक्फ विधेयक 2024 को लेकर AIMIM प्रमुख ने कहा, हमारे मुल्क में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे हमारी ज़मीनों को हमसे छीन लिया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हमारी मस्जिदों को हमसे छीना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि इनकी नियत क्या है। हमने एक बाबरी मस्जिद तो खो दी है, अब और नहीं खोएंगे। ये जो कानून PM मोदी लेकर आए हैं, इससे वो हमारी वक्फ की संपत्ति को छीनना चाहते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया है। सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोई महाराष्ट्र में कह रहा है कि मस्जिद में घुस कर मारूंगा। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदियों पर जुल्म होते थे, वैसे ही आज देश भर में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है। आखिर क्या वक्फ बॉर्डर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? इस बार ओवैसी जीतेगा या फिर मोदी सरकार?